सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस 12 आए दिन सुर्खियों में छाया रहता है और इसकी एक बड़ी वजह है इस शो के कंटेस्टेंट श्रीसंत। श्रीसंत क्रिकेट जगत का एक जाना माना नाम है और इस वजह से इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी है। इस शो में बतौर कंटेस्टेंट आए श्रीसंत ने अपनी एक खास जगह बना ली है। इस शो में श्रीसंत कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि वो चर्चा में बने रहते हैं। पहले दिन से ही श्रीसंत कभी घर से भागने की कोशिश को लेकर सुर्खियों में रहे तो कभी अड़ियल रवैये को लेकर घर के बाकी कंटेस्टेंट से उनका विवाद होता रहा। दीपक ठाकुर और सुरभि राणा के बीच हुए कैप्टेंसी टास्क ब्रेकिंग न्यूज टास्क के दौरान श्रीसंत ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद वो एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। इस टास्क में श्रीसंत सुरभि राणा को सपोर्ट करते हुए नजर आए। श्रीसंत सुरभि राणा से कहते हैं कि मैं एक राज का खुलासा करूंगा जिसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं बोला। हरभजन के साथ हुए थप्पड़ कांड पर श्रीसंत कहते हैं, आज मैं इस पूरी घटना की सच्चाई बताना चाहता हूं। हां, मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित था, ये बात मैं मानता हूं। मैं बताता हूं कि उस दौरान हुआ क्या था। मैच के बाद मैं हाथ मिलाने के लिए हरभजन सिंह की ओर बढ़ा। दूसरी ओर से हरभजन सिंह हाथ मिलाने की बजाय गाल पर जोरदार पंच मारते हैं और उन्हें और उसे थप्पड़ नहीं कह सकते। श्रीसंत बार बार कहते हैं, मैंने इससे पहले कभी इस बारे में बात नहीं की, जबकि हरभजन सिंह लगातार इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र करते रहे। जहां एक ओर श्रीसंत कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो साल 2013 का है। डायरेक्टर कोरियोग्राफर फराह खान के एक शो में श्रीसंत रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय पहुंचे थे जहां श्रीसंत ने इस बात का जिक्र किया था। आप भी जाने कि आखिर श्रीसंत ने कहा क्या था। फराह खान ने श्रीसंत से उस थप्पड़ कांड को लेकर एक सवाल किया था कि जब भी तुम उस वीडियो को देखते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है, तो श्रीसंत ने कहा, इट वॉज आईपीएल में जिस तरीके की एनर्जी होती है इस बात से सभी लोग वाकिफ हैं। उस वक्त पंजाब के लिए खेल रहा था और भाजपा बॉम्बे के लिए खेल रहे थे। उस वक्त वो कप्तान थे और जब हार गए तो मैं उनसे हैंडशेक करने के लिए गया, तो उस वक्त हाथ मिलाने के लिए गया था लेकिन उन्होंने मुझे पंच किया। दैट वॉज नॉट अ स्लैप बट इट वॉज अ पंच। उस वक्त मुझे इतना कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ। आई वॉज शॉक्ड दैट व्हाट जस्ट हैपेंड। मैं बस उस वक्त ये समझ ही नहीं पाया, मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा। बस रोना आया, मैंने रो दिया। हमने शाम को साथ में बैठ के खाना भी खाया और ये तो होता ही है कि जब हम ड्रेसिंग रूम में होते हैं कि मैं तुझे आउट कर दूंगा, ये कर दूंगा, तू आउट होना है मेरे हाथ से, और हमें ऐसा ही लगा। बट मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। शाम तक हम आराम से बातचीत कर रहे थे और सुबह जब हम आए तो ये इतना बड़ा मीडिया इशू हो गया था। ये मुझे बस ऐसा ही लगा था कि जैसे कि घर में मेरे बड़े भाई ने मुझे मार दिया हो। मुझे सच में नहीं लगा था कि इतना बड़ा मीडिया इशू हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।